इस देश में नोटबंदी लागू करके देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश के अंदर जीएसटी का कानून लागू करके व्यापारियों को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश में काले किसानों के कानून लागू करके किसानों को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश में महंगाई आसमान पर पहुंचाकर माताओं बहनों के चूल्हे को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश के अंदर अग्निपथ योजना लाकर भ्रष्ट पथ पर निकल पड़ी है। ये मैं कहना चाहता हूं, सेना को नरेंद्र मोदी जी अपनी प्राइवेट एजेंसी बनाना चाहते हैं। भारत की सेना भारत का गौरव है, भारत की सेना देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए है, और भारत की सेना में भर्ती होने वाला हिंदुस्तान का नौजवान अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने यह अग्निपथ योजना जो लाई है, यह निश्चित तौर पे देश के प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना लाई गई है। 4 साल तक एक नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करेगा, 4 साल तैयारी के बाद बड़ी मुश्किल से उसकी भर्ती होगी, 2 साल उसके ट्रेनिंग और छुट्टियों में जाएंगे, 2 साल वो नौकरी करेगा, और 4 साल की नौकरी के बाद जब मोदी जी उसको निकाल के बाहर कर देंगे, सड़क पर खड़ा कर देंगे, तो उसके सामने आत्महत्या करने के सिवाय, भीख मांगने के सिवाय, अपराध के रास्ते पर जाने के सिवाय, या किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड करने की नौकरी करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। आज देश की खदानें, देश की सेल, देश के कोयला, LIC, बैंक, सड़क, बिजली, पानी, BPCL, एयरपोर्ट, पोर्ट, कितने संपत्तियों का नाम लूं, सब कुछ देश के चंद पूंजीपतियों को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया। उसकी रक्षा करने के लिए कौन चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड। उनकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए कौन चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो क्या देश की सेना को नरेंद्र मोदी जी सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं? वहां से ट्रेनिंग करके जो नौजवान निकलेगा वो इन प्राइवेट कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा? इन प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना लेके आए आप? मोदी जी अपने मित्रों से कह रहे हैं अब आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है ट्रेनिंग में, हम खर्च करेंगे सेना में, 4 साल उनको ट्रेनिंग देके सड़क पर ला देंगे, जाके फिर वो आपके यहां बंदूक उठा के खड़े हो जाएंगे, आपकी जमीनों की रक्षा करेंगे, आपकी संपत्तियों की रक्षा करेंगे। क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी, बैंक बेच दिया, सड़क बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया, टोल बेच दिया, पूरा हिंदुस्तान तो बेच दिया है, तो उसकी रक्षा करने के लिए यही नौजवान निकल के आएंगे, 10-10, 15-15 हजार, 7 हजार, 8 हजार में नौकरी करेंगे। या आप चंद पूंजीपतियों के लिए प्राइवेट आर्मी बना रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर? अंग्रेजों की प्राइवेट आर्मी खड़ा करने का काम कर रहे हैं आप? ये देश की सेना का अपमान है, देश के नौजवानों का अपमान है। कभी आप कहते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, कभी आप कहते हैं पकौड़ा बेच के नौकरी कर लो, कभी आप कहते हैं गोबर बेच के पैसा कमाओ। जिन लोगों के दिमाग में गोबर भरा है वो इस देश के अंदर गोबर योजना ही ला सकते हैं, वो नौजवानों को नौकरियां नहीं दे सकते। और इसलिए मैं मांग करता हूं भारत की सरकार से और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, जिस तरीके से किसानों के खिलाफ आप फैसला किए थे, काला कानून लेकर आए थे, हम लोगों ने संसद के अंदर विरोध किया था, केजरीवाल जी ने बार बार आपसे कहा था वो काले कानून वापस ले लीजिए, आपने 1 साल लगा दिया, इस देश का किसान सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए,
आज पूरे देश का नौजवान आक्रोशित है, सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, इस देश को जलने से बचा लीजिए, इस देश को नौजवानों के आक्रोश से बचा लीजिए, उनके गुस्सों से बचा लीजिए। ऐसा ना हो कि लंबा समय बीतने के बाद पछताकर आपको फिर यह कानून वापस लेना पड़े। अभी भी वक्त है, आप ये काला कानून जो लेकर आए हैं देश के सेना के गौरव को गिराने के लिए और हमारे नौजवानों को अपमानित करने के लिए, ये कानून वापस ले लीजिए और फालतू के सब्ज बाग मत दिखाइए। आपके जुमलों से यह देश बहुत बर्बाद हो चुका है और बार बार धोखा खा चुका है। बहुत जुमला बोला आपने इस देश के लोगों के साथ और इसीलिए आपकी पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी हो गया। हर चीज में आप झूठ बोलते हैं। आपने कहा नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आपने कहा जीएसटी से हम देश को दूसरी आजादी दे रहे हैं, झूठ निकला। आपने कोरोना में थाली ताली बजवा के देश की जनता को बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया। आपने नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, फिर कहने लगे पकौड़ा बेच लो, फिर कहने लगे कटोरा लेके घूमो, फिर अभी यूपी के चुनाव के पहले कहने लगे मोदी जी के दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आया है, गोबर बेच के पैसा कमाओ, गोबर बेच के। 4 महीने से गोबर का कंडा लेके नौजवान घूम रहे हैं, कोई गोबर खरीद ले हमारा, गोबर खरीदो। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी आपसे अपील की है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी आपसे अपील कर रही है, इस देश को जलने से बचाइए, इस देश को नौजवानों के गुस्से से बचाइए, इस देश के नौजवानों के साथ जो 20 करोड़ नौजवानों के साथ आपने विश्वासघात किया है, इस विश्वासघात से इस देश के नौजवानों को बचाइए और यह फैसला तुरंत तत्काल वापस लीजिए। 17 साल की नौकरी की गारंटी अगर एक नौजवान को मिलती है, वो इस देश के लिए मरने मिटने के लिए, शहादत देने के लिए, देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देता है। इसलिए कि जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, देश को बचाते हुए शहीद हो जाएगा, तो उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेगी। आपने इस योजना में न पेंशन, न भविष्य की कोई तनख्वाह, न कोई नौकरी की योजना, 25% लोगों को आप कह रहे हैं कंटिन्यू करेंगे। वो बेचारे नौजवान तो इसी बात में लग जाएंगे कि कैसे हम अपने अधिकारियों को खुश रखें कि 25% की श्रेणी में आ जाए। वो देश के सुरक्षा की भावना उनके मन में जो रहती है, वो भावना दूर रख के वो पहली कोशिश तो इस बात की करेंगे कि 4 साल की नौकरी में हम अपने सीनियर अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को किन किन तरीकों से खुश रखें जिससे कि वो हमें कंटिन्यू कर दे, हम 25% की श्रेणी में आ जाए। इसी में पूरी ऊर्जा उनकी चली जाएगी। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत कीजिए और दुनिया के तमाम देशों में सुरक्षा के लिए प्राइवेट आर्मी भी हायर की जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने मित्रों के लिए, अपने पूंजीपति मित्रों के लिए इस देश में प्राइवेट आर्मी तैयार करके और फिर सरकार इसी काम में लग जाए कि प्राइवेट आर्मी हायर करके अपना काम चलाए। ऐसी हालत में इस देश को मत पहुंचाइए, भारत की सेना के गौरव को मत गिराइए। मैं फिर यही बात कहना चाहता हूं, कल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस अग्निपथ योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन करेगी और सरकार को ज्ञापन देगी।